स्केल से सिर पर मारना है, जो दर्द सह नहीं कर पाएगा समझो वो हार जाएगा। अगर मैं जीत गया तो? ये तो मैं किस करेगी। अगर ये हारा तो? तुम्हारा सर्वेंट बन जाएगा। सर्वेंट माय फुट। रेडी स्टेडी गो। रेडी। अगर जोर से लगा होगा तो सॉरी। हाँ अब मेरी बारी। इसका फटका तो बड़ी जोर का लगा। वो लगी क्या? पता ही नहीं चला। कमॉन कमॉन तुम्हारी बारी। लगी तो नहीं। अब मेरी बारी। हाँ मैं तैयार हूँ। लकड़ी है ना? सेम सेम है। अरे सेम ही है। ये तुम लो और वो मुझे दो। ये मैं लेती हूँ। इससे ट्राई करो, मार के दिखाओ। अबे रुक। क्या हुआ डूड? बहुत दर्द हो रहा है तुम्हें? हार माननी क्या? हो ही नहीं सकता, सर से पांव तक फौलाद है। ओ हाँ हाँ। हाँ वो तो ठीक है। एक काम करो, मुझे मेरी दे दो। What happened? दुख रही है। क्या दुख रही है? खोपड़ी। ओए, सांड जैसा शरीर है तो फिर दर्द कैसा? सांड को दर्द नहीं हो सकता क्या? अच्छे से समझ गया होगा, चंद्रकला से पंगा मतलब लाइफ में दंगा। एक बात तो कंफर्म है, ये आइटम मुझे बहुत भा गई। उसका भाई तेरा कीमा बना देगा। एक बार जो मैंने फैसला कर लिया, फिर सामने उसका भाई हो या गहरी खाई हो, फर्क नहीं पड़ता। मेरे भाई को पता चला ना, तेरा पर्दा बना देगा। मेरी बहन को देखने वाला जिंदा नहीं रह सकता। ए, इसकी बॉडी का गिफ्ट पैक करके इसके भाई को पहुंचा दे। कुछ दिन और इनके साथ रहा तो डूबता बबलू बन जाऊंगा। रामू फोन करके टेंशन मत बढ़ा, निकलने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरा कैरेक्टर किसी और से मत कराना। और सुन, अगर तूने मेरा कैरेक्टर शाहरुख या आमिर से करवाया ना तो तेरी TRP की वाट लग जाएगी, समझ ले। भाई हमने सिप्पी की सारी डिटेल्स और इंक्वायरी निकलवा ली है, वो नकली जाली और फर्जी भी है। बहन तक पहुंचने के लिए सिप्पी आखिरी उम्मीद है। सिप्पी का नंबर घुमा। रमेश सिप्पी की बात कर रहे हो? नहीं, टैक्सी ड्राइवर की। वो उसकी वजह से मैं शूटिंग से यहाँ पहुंच गया। सर मुझे एक्टिंग टैलेंट दिखाने का एक मौका दीजिए ना। चल दिखा। हेलो, हु इज दिस? नमस्ते जी, मेरा नाम अनुराधा है, आपका क्या है? मेरा सिप्पी आधा है। हाय सिप्पी, कांग्रेचुलेशंस, मैं सेलुलर सर्विस से बात कर रही हूँ। आपको 21 रुपए के छोटे रिचार्ज पर बम्पर ऑफर मिला है। सिप्पी जी प्लीज अपना एड्रेस बताइए। मेरा एड्रेस लोगी? हाँ। I'm so lucky. जल्दी से लिखो। बताइए सर। प्लॉट नंबर 420। और ये एड्रेस? परेशान रोड, घनचक्कर नगर। सर ये बाप जी, रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं। hey! क्या रे, पोस्टपेड वाले को रिचार्ज का ऑफर कब से आने लगा? उल्लू समझ के रखा है मुझे चुल्लू। मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। मैं मिस्टर हवा हवा ही हूँ, तुम हवा को कैसे पकड़ोगे? hey, तू अपना फोटो भेज, फोटो भेज, भेज ना भेज। फोटो देख के क्या शादी करेगा? मैं उस टाइप का नहीं हूँ रे। भेज बोला ना। मौत को बुला रहा है ले। भाई गाड़ी रिपेयर होने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। बोलो तो शोरूम से स्कोडा की लोरा उठा लूं। वो लोन का हफ्ता मेरे को परवड़ेगा नहीं। तू एक काम कर, काली पीली बुला ले। चलेगा क्या? मैं चलता नहीं, दौड़ता हूँ। बोलो कहाँ दौड़ना है? 4 दिनों तक जहाँ जहाँ कहेंगे वहाँ वहाँ चलना पड़ेगा तेरे को। ओके, अंदर घुसो, सीट पकड़ लो। तेरी आवाज जानी पहचानी लगती है। और मुझे आपकी पहचानी जानी लगती है। सर आप तो टीवी सीरियल के हीरो बबलू हो ना? मैं आपका सीरियल रोज देखता हूँ, रिपीट टेलीकास्ट भी। थैंक यू, थैंक यू। बहुत बकवास एक्टिंग। और नहीं तो क्या, 420वें एपिसोड में जब आपकी चूहिया मरी थी तो आपने ओवर एक्टिंग की। सब याद है। ए, चुप बैठ।
तू गाड़ी चला। हे चंपू को देख, मजा देखना। हाय, ये क्या, तेरी जैसी इतनी सुंदर लड़की को इग्नोर किया? जाके चुल्लू भर पानी में डूब जा। वन मिनट, चंदू नाम है मेरा। ए चिकने, हेलो। चंदू, उसने मुंह क्यों लग रही है? फर्स्ट टाइम है उसे। पहली बार किसी ने चंद्रकला की खूबसूरती पे थूका है। इसे तो मैं एड वाले कुत्ते की तरह अपने पीछे न चाहूंगी। तुम बस देख ली जाओ। क्यों आया? किसी को फूल बनाने के लिए फूल ही सही जगह है। तुम्हें, हाँ? मैं जानती हूँ तुम मुझे अवॉइड करने की भद्दी एक्टिंग कर रहे हो। मेरे जैसा फिगर देखकर किसी भी आदमी का दिमाग माइक्रोवेव की तरह गर्म हो जाता है, और तुम खुद को रेफ्रिजरेटर दिखाने की कोशिश कर रहे हो। किस बात का घमंड है? अपनी सारस जैसी लंबी टांगों का या चमगादड़ जैसी भद्दी शक्ल का? हाँ? ए, जानता है मैं कौन हूँ? सत्या, उसकी छोटी बहन। जानती हो मैं कौन हूँ? कौन है बे? कौन है तू? एसीपी शंकर नारायण। 5000 एनकाउंटर्स, 500 ट्रांसफर, 200 मेडल्स एंड स्टिल अलाइव। सत्या का एनकाउंटर करने के लिए इस शहर में ट्रांसफर लिया है। मेरे लंबे चौड़े करियर में भीषण रैकिंग का केस तुम्हारे खिलाफ दर्ज हुआ है। दफा 143 लगा के तुम्हें जेल में डालूंगा। पुलिस के हाथ लंबे होते हैं, तुम मेरी लाठी से बच नहीं सकोगी। उस लड़की का चेहरा बंदर की तरह इतना सा हो गया होगा, मुझे तो सोच सोच के ही हंसी आ रही है। यार बचपन से मेरी ख्वाहिश थी थोड़ा बड़ा होकर मॉम पॉप को अच्छी सी बहू दूं। ये सब तो ठीक है, पर उसके दिल में जगह बनाई क्या? दोस्त, हर लड़की के दिल में अरमान होते हैं, बस उस अरमान को जगाने के लिए सही वक्त और टाइमिंग की जरूरत होती है। अरे चंद्रकला, वेंकी तेरा दिल चुरा लेगा, अपना चांस तो गया, अगले जन्म में ट्राई करेंगे। हाय। हाय, क्या हुआ? चेहरे पे 12:30 क्यों बजे हैं? कुछ हुआ क्या? नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं। हे चंदू, आज हमें एक नया बकरा मिला है। जाने दे बेचारे को, क्या रैगिंग करनी, किसी और दिन सही। छोड़ देना उसे। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है, रैगिंग के लिए मना कर रही हो? मैंने कहा ना, रैगिंग का मूड नहीं है। रैगिंग करनी होगी, रैगिंग करनी होगी। नो। तो ठीक है, तुम खड़ी होके देखो, इसकी रैगिंग हम करते हैं। नाम क्या है तेरा? सीताफल मूंगफली फ्रॉम कांदीवली। तुझे किस टाइप की फिल्में पसंद है? बिना सर पैर की रोमांस वाली। ए, हॉरर और रोमांस को मिक्स करके दिखाओ। सालों से नहाई नहीं हो तुम, तो मासूम कली हुआ करती थी, अब फूल कर गोभी का फूल हो गई हो। उस कब्रिस्तान में मुझे अकेला छोड़कर तुम उस छोरे भूत के साथ वहाँ पर पेड़ पर उल्टा लटकी हुई थी, क्या तुम्हें अच्छा लगता है ये सब? मेरी नाक कटा दी तूने। मैं अभी तक कैरेक्टर में हूँ, तुम लोगों ने मुझे सीन करने के लिए कहा था, ये कॉलेज है भैंसों का तबेला? इस छोटे से बच्चे पर इतना अत्याचार हो रहा है, कोई आएगा मुझे बचाने के लिए? क्या चल रहा है यहाँ? बॉब को छोड़ के यहाँ पे सब कुछ चल रहा है। धरने से बालक को मार कर ये चुड़ैले उसका खून चूसना चाहती थी। ए, तू बालक नहीं सड़ा हुआ पालक लगता है। सर, ये लड़कियाँ हम जैसे नन्हे मुन्ने बच्चों पर हुस्न का अत्याचार करती हैं। तेरे जैसे मोटे कद्दू पर भी? नन्हे मुन्ने भोले भाले बच्चों को टॉर्चर करते हो तुम सब? हार्डकोर क्रिमिनल्स बन चुके हो। लोकेशन शिफ्ट। शैतानों की देवी कौन है,
आज तो तू गया, मेरी नौकरी की तो छुट्टी हो गई। इस कॉलेज में एडमिशन मिलना वेटर के जॉब मिलने से भी आसान हो गया है। जानते हो क्यों? क्योंकि लड़कों ने आना ही छोड़ दिया है। ये बेचारे गरीब घर के लड़के कॉलेज में आके पढ़ना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी रैगिंग की वजह से डरते हैं। है? गर्मी से नहीं, गर्मी से पेश आई है इनके साथ। ये यहाँ पढ़ने आती है या कैमरे करने आती है? पूछिए इनसे, कपड़े तो ऐसे हैं कि जैसे। औरतों के साथ कोई बदतमीजी करे तो मुझे गुस्सा आ जाता है। कहानी में ट्विस्ट। इतनी घबरा क्यों रही हो? रैगिंग करते वक्त कप कपा नहीं रही थी? रैगिंग से डर नहीं लगता साहब, आपके इस डरने से डर लगता है। हॉबीज क्या है? म्यूजिक सुनना और डांस करना। लगता है तेरी फ्रेंड अच्छा नाचती है, चल ठुमके लगा। साहब जी शर्म आ रही है, सब देख रहे हैं ना। इधर आ। सोचो कि कमरे में कोई नहीं है, पार्टी नाइट है, कपड़े टाइट है और तुम खुल के नाच रही हो। समझ गई, मेरे मोबाइल में एक रॉकिंग गाना है, बजाऊं क्या? बजा डाल। है, जरूर कोई भजन रहेगा। कॉलेज में सब ठीक है ना? वैसे तो सब ठीक है। अच्छा? कोई एसीपी शंकर नारायण है। हा? बहुत तंग करता है सबको। भैया से शिकायत करती हूँ। रुको रुको, एसीपी शंकर नारायण, वो तो हमारा ही आदमी है। तुम्हें पता नहीं है क्या, सरकार उसे जितनी सैलरी देती है ना, उससे ज्यादा तो हम उसे रिश्वत देते हैं। उससे तो मैं ये बात करूंगा, इतने छोटे काम के लिए भैया को डिस्टर्ब मत करो, लीला सब संभाल लेगा। अब जाओ, बेफिक्र होकर बिंदास जाओ। नमस्ते मैडम, मैं हूँ एसीपी शंकर नारायण। क्या कहा आप? एसीपी शंकर नारायण हैं? जी हाँ मैडम, आपने भाई से शिकायत की कि मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। लेकिन उस दिन तो कोई और... जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मैं भैया से बात कर लूंगी, आप जा सकते हैं। शुक्रिया मैडम। क्या यार, अगर उस फेक एसीपी के बारे में बता देते तो वो उसकी खाल उधेड़ देते। कूल डाउन। मछली को पकड़ने के लिए कांटे का इस्तेमाल किया जाता है, और मछली पकड़ने के बाद उसे काट कर उसमें मिर्च और मसाला भरा जाता है। वो तो आ गया। सब लोग ऐसे बिहेव करो कि हम उसकी असलियत के बारे में कुछ भी नहीं जानते। ओके ओके। नमस्ते एसीपी। नमस्ते। अबे गॉडविन, जरा चाय लेकर आना, मलाई मार गया। लगता है मेरा हांडा फूट गया है। हमने इतने दिनों में गाना भी सीख लिया है कि नहीं? हाँ सर, सीख लिया। गाकर सुना चलेगा। पोल खुल गई, वाट लग गई, एक नकली पुलिस वाले की खाट खड़ी हो गई। ओके ओके, तो तुम्हें पता चल गया है कि मैं नकली एसीपी हूँ। सही कहा, झूठ सामने आ गया। मुझे चीट करने की कोशिश की। मैं सत्या की बहन हूँ, याद रखो। तुम्हारे खून से अपने नेल पॉलिश कर सकती हूँ। लेकिन मेरी बात तो सुनो चंदू जानू। चंदू, हम इतने क्लोज कब से हो गए? मुझे मेरी बात तो पूरी करने दो। तू कोई नेता है जो भाषण देता रहेगा और मैं सुनती रहूंगी? हाँ, माय फुट। अब मेरी बात सुन। सॉरी बोल, सॉरी बोल, इसी वक्त सॉरी बोल। मेरी बात तो सुनो चंदू। शाला मत बन, तेरा असली रूप सामने आ चुका है। वर्दी की स्त्री खराब मत कर, उतार इसे। देखो, छोटे पौधे, कांच की गुड़िया और लड़कियां तभी अच्छी लगती है जब वो सेंसिटिव और क्यूट होती हैं। लड़की हो अपने हद में रहो, पैसों के घमंड में सबको अपने पैर की धूल मत समझो। चलो फेस पे थोड़ा स्माइल रखो। सराउंड में क्या साउंड आया था? कुछ टूटकर गिर गया था। तुम्हारी इजाजत हो तो मैं निकलूं? हाँ, वो गुस्से में है। हाँ, इसीलिए डर लग रहा है। हाँ, तेल लगा लेना। जल्दी जाओ। चलो चलो।